इसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट डाला है, विटामिन डाले हैं, मिनरल्स डाले हैं, ठीक है। मोलेसेस कितना है? मेरा नाम है विमल कुमार दुबे। ये हम लोगों ने एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट किया। फर्स्ट बैच जो हमारा आया था वो 5 गाय का आया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेयरी फार्मिंग में जो है वो है नंबर 1 फीड। अब फीड के अंदर में कंसंट्रेट फीड आता है जो कि मेन फूड है, और दूसरा ऑफ कोर्स भूसा है, हरा चारा है। तो कंसंट्रेट फीड जो है प्रॉब्ली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड क्योंकि उसी से गाय को जो है प्रोटीन मिलता है और उसको फाइबर मिलता है। तो हम लोगों ने कई फीड ट्राई किए, लेकिन अल्टीमेटली जब हम नोवा फीड पे शिफ्ट हुए उसके बाद से हमारा जो है वो प्रोडक्ट जो है कंसिस्टेंटली चल रहा है, और वो चल इसलिए रहा है कि हमारी गायों की जो परफॉर्मेंस है वो भी मिल्क प्रोडक्शन हो, उनका रिप्रोडक्शन इश्यूज है, वो सब जो है एकदम कंट्रोल पे आ गया। नोवा वालों की बेस्ट ये है कि उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। आप उनको रात को बोलो, दिन को बोलो, अगर कोई आपको तकलीफ है या प्रोडक्ट आपका ख़त्म हो गया है फॉर वट एवर रीज़न, वो आ जाएगा। प्रोसेसेस को भी अच्छा किया है, तो वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद नोवा फीड। मेरा नाम सुप्रीति शर्मा है। डेयरी मेरा फादर का 15 ईयर्स बैक स्टार्टेड था। अगर क्वालिटी की बात करें तो गाय को हम केवल वीट स्ट्रॉ यानी भूसा और कंसंट्रेटेड फीड पैलेट फॉर्म में आता है। नोवा फीड हम गाय को फीड कर रहे हैं इस टाइम। नोवा फीड में अपने आप ही मिनरल्स हो गए और बिनोला हो गया और अदर चूरी हो गई, ये सब एक मिक्स प्रोपोर्शन में उसमें उन्होंने बनाया हुआ है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जो कि हम गाय को अलग अलग एज पर मिल्क क्वालिटी उसको दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं। जब से मैंने ये फीड स्टार्ट किया है, इनफैक्ट मेरी हीफर्स जो हैं बछड़ियाँ वो काफ़ी अर्ली स्टेज में
तैयार आ रही हैं, कंसीव प्रॉपर कर रही हैं, कोई रिपीटेशन की मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है, और डेयरी में रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो एक तरीके से आप उसमें प्लस में ही चल रहे हैं। अगर फीड की हम बात करें, फीड प्रोवाइड करने से फैट क्वालिटी इंक्रीज हुआ है, और तो ओवरऑल मतलब मैं जो भी गाय को फीड कर रही हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मिल्क क्वालिटी वो चीज़ डिफाइन कर रहा है। नोवा फीड सिर्फ एक फीड कंपनी नहीं है, उनसे एक जिसे फैमिली टर्म्स आप बोल सकते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ में इतना मतलब सपोर्टिव नेचर है उनका, कोऑपरेटिव नेचर है, और 24/7 वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी है या फीड्स रिलेटेड है या गाय की हेल्थ रिलेटेड है, व्हाटसोएवर प्रॉब्लम, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। गुणवत्ता में होरों से बेहतर है हम, इसीलिए पहली पसंद है हम हैं नोवा।